नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। राजदेवी मंदिर में बलि प्रदान के लिए रसीद कटवा कार्य शुरू कल गेल। मुख्य प्रसंग स जनकपुर धाम के प्रसिद्ध शक्तिपीठ राजदेवी मंदिर में बलि प्रदान के लिए रसीद कटवा कार्य शुरू भेल। राम मंदिर के प्रारंभ में रहल गुठी संस्थान बलि प्रदान के लिए रसीद काटक कार्य शुरू कल गेल जानकारी दिलक। महाअष्टमी तिथि अर्थात सोम दिन राजदेवी मंदिर में बलि प्रदान के कार्यक्रम रहल। काल रात्रि समेत कहल गेल महाअष्टमी के राति राजदेवी मंदिर में बोका के बलि प्रदान करवाक चलन रहल। अय वर्ष बलि प्रदान कार्यक्रम के लिए रसीद काटक कार्य शुरू भ चुकल। महावीर युवा कमिटी के अध्यक्ष बलराम शाह जानकारी देने छन। अध्यक्ष शाह के अनुसार अय वर्ष माथक मूल्य यथावत राखल गेल। बोका के माथ के मूल्य 200 रुपया तोकल गेल। बीतल वर्ष से हो 200 रुपया निर्धारण कल गेल। अय वर्ष से हो बलि प्रदान कल जाए वाला बोका के संख्या वृद्धि होबाक अध्यक्ष शाह के दावी रहल। बीतल वर्ष राजदेवी मंदिर में 14,241 बोका के बलि प्रदान कल गेल। तहिना हरेक वर्ष काल रात्रि में बड़का संख्या में बोका के बलि देल जात। त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक के कुल देवता मानल गेल। राजदेवी मंदिर में महाअष्टमी तिथि के रात हरेक वर्ष बड़का संख्या में बलि देल जाए। 2077 साल में भेल कोरोना महामारी के कारण बलि प्रदान कल जाए वाला सबके संख्या निके कम देखल गेल। कोरोना महामारी के कारण 2077 में बलि प्रदान कल गेल संख्या 8,968 मात्र रहल। तैके बाद 2076 में 14,633 बोका के बलि प्रदान कल गेल। राजदेवी मंदिर में वर्ष भर में एक दिन मात्र बलि प्रदान कल जात। काठमांडू स्थित हनुमान ढोका में बलि प्रदान भेलाक बाद जनकपुर स्थित राजदेवी मंदिर में बोका के बलि प्रदान करवाक कार्यक्रम शुरू कल जात। 2075 में 14,997 बोका के बलि प्रदान कल गेल। जनकपुर धाम के प्रमुख शक्तिपीठ राजदेवी मंदिर में वर्षों से महाअष्टमी राति में बलि प्रदान के परंपरा चलत आयल। बलि प्रदान करे के लिए मंदिर के पछाड़ी भाग में 4 ठेहा बनाल जात। महावीर अध्यक्ष शाह कलथ अ के लिए छुट्टे समिति से हो गठन कल गेल। राजदेवी मंदिर के पुजारी रामगिरी मनोकांक्षा फल प्राप्त भेलाक बाद बोका के बलि देल जाए राजदेवी के परंपरा रहल। न्याय के लिए संघर्षरत रहल कुमारी माय निहारिका सिंह राजपूत के 5,00,000 रुपया आर्थिक सहयोग देव मधेश सरकार के निर्णय हल्ला मात्र रहल रहस्य खोजल। भादो 10 गते मधेश प्रदेश सरकार के अर्थमंत्री शैलेन्द्र प्रसाद साह सामाजिक संजाल मार्फत निहारिका के न्याय के लिए कानूनी तथा आर्थिक सहयोग कर मंत्री परिषद के निर्णय भेल जानकारी देने सलाह। मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा के सिफारिश में ई निर्णय मंत्री परिषद में भेल मंत्री साथ जानकारी दिलत। मुदा मंत्री साथ देने ई जानकारी गलत रहल साबित भेल। मुख्यमंत्री कार्यालय में कहल गेल राहत रकम के लिए निहारिका पहुँचल बाद ई निर्णय मंत्री परिषद से नहीं भेल खुलासा भेल। अपने 3 दिन राहत रकम लेब मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचल समय कर्मचारी ई निर्णय नहीं भेला त देव नहीं सकब कहने बाद निहारिका मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के संपर्क कलथ। ओ कहलन कर्मचारी सब संग संपर्क करू। तहना कर्मचारी सब लंग गेलाक बाद ई निर्णय कैबिनेट से भेले नहीं आई कहलथ निहारिका। आई प्रति उपराग से हो व्यक्ति केने सैथ संगे सरकार के राहत देवाक नहीं छल त किया जुटक हल्ला केलन। ऐसे अपना के कठिन भेल हम 2 वर्ष से बाबू सहित संघर्ष में रहल से ई हल्ला के कारण दोसर ठाम से आबे वाला सहयोग समेत रोकल अछि जाके कारण अपने आप संकट में पड़ल कहित ओ अय प्रति पित्त सेहो देखेने छलन। ओ सरकार अपन पब्लिसिटी के लिए हल्ला फैलेने कहित आक्रोश व्यक्त कलन। संगे मधे सरकार से आब तत्काल राहत पाव बाट से हो बंद भेल। निहारिका राहत रकम देव विषय में अखन देर कैबिनेट के कोनो निर्णय नहीं भेटल। मुख्यमंत्री कार्यालय के निमित्त प्रमुख सचिव नूर हरि खतिवड़ा जानकारी देने सैन। निहारिका के राहत रकम के लिए आयल बाद अपने सब इस संबंध निर्णय सहित के कागजात खोजलो मुदा नहीं भेटल। ओ कहलन संगे निहारिका के आर्थिक सहायता प्रदान कर मुख्यमंत्री जी के इच्छा है मुदा बिना कानूनी प्रक्रिया आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराव कठिन रहल। संगे बुध दिन मध्य राति से निर्वाचन आचार संहिता लागू भ चुकल। सरकार आब आर्थिक सहायता लगात के कोनो प्रकार के नया निर्णय कर
बाट बन्द भेलाइ नेपाल में थप 19 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेलाइ देश भर कैल गेल 591 टा PCR परीक्षण में 17 गोटे आ 941 टा एंटीजन परीक्षण में 2 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना कोरोना के कारण 7 दिन किन को मृत्यु नै भेल अछि। संगे बीतल 24 घंटा में थप 96 गोटे संक्रमित कोरोना संक्रमण सं नीक भेल छैन। अखन नेपाल में 925 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। नवरात्र के छठम दिन आई नवदुर्गा मध्य के कात्यायनी के पूजा आराधना भ रहल अछि। नवरात्र में प्रत्येक दिन नवदुर्गा के एक एक स्वरूप के पूजा आराधना करबाक परंपरा अनुसार आसिन शुक्ल पंचमी तिथि से कात्यायनी के पूजा आराधना कयल जाइत अछि। पुराण अनुसार कात्यायन के कठोर तपस्या से प्रसन्न भ क भगवती हिनका पुत्री के रूप में जन्म लेब वचन देने छलनि। महिषासुर नामक दैत्य के विनाश के लेल ब्रह्मा विष्णु आ महेश के अंश से देवी उत्पन्न भेल छन। या कात्यायन ऋषि द्वारा पूजित रहला से हिनकर नाम कात्यायनी पड़ल अछि। सिंह वाहिनी कात्यायनी महिषासुर के वध केने दुर्गा सप्तशती में सेहो रहल अछि। चार हाथ मध्य दूटा हाथ में तलवार कमल पुष्प लेने तहिना दूटा हाथ में अभय आ वरद मुद्रा प्रदर्शन केने सहित हिनकर आराधना से संपूर्ण संकट नाश हेबाक विश्वास सेहो रहल अछि। जिला ट्रैफिक कार्यालय महतारी ट्रैफिक नियम उल्लंघन के ने दैनिक 200 से बेसी सवारी साधन के कार्यवाही कर लागल अछि। क्षमता अनुसार बेसी यात्रु बोकने तीव्र गति में गाड़ी चलेने यात्री ऊपर अभद्र व्यवहार के ने जेहन सवारी साधन सब के कार्यवाही कैल गेल ट्रैफिक कार्यालय महतारी जानकारी देलक अछि। जिला ट्रैफिक कार्यालय के प्रमुख उदय सिजापति के अनुसार यात्रु सब के सहायता के लेल आधा दर्जन से अधिक सहायता कक्ष समेत स्थापना कयल गेल अछि। विगत में देखल गेल समस्या सब के मद्देनजर करैत यात्रु सहायता कक्ष स्थापना कयल गेल। हिनकर कहब संगे यात्रु सहायता कक्ष के स्थापना से अल्पत्र यात्रु तथा विविध समस्या समाधान होब विश्वास व्यक्त कयने सहित जिला में अखन 10 ट्रैफिक यूनिट रहल अछि। प्रमुख सिजापति जिला के 10 यूनिट के निके सक्रिय बनौने तहिना प्रत्येक यूनिट दैनिक 3 बेर जतेक चेक जांच कर रहल सहायक कार्यालय प्रमुख होम भितरा कोटी जानकारी देने सैन। प्रमुख सिजापति ट्रैफिक प्रमुख के जिम्मेवारी में आयल समय से ट्रैफिक व्यवस्थापन में निके परिवर्तन सेहो देखल गेल अछि। 6 महीना की अवधि में ओ गौशाला नगर पालिका संग समन्वय क के ट्रैफिक कार्यालय के अपने भवन बनौने अछि। पिछला किछु दिन से रौतहट में डेंगू रोग के संक्रमण बढ़त गेल अछि। सबसे बेसी जिला के मध्य भाग कटहरिया नगर पालिका तथा आसपास के क्षेत्र में डेंगू रोग के प्रभाव बेसी देखल गेल अछि। डेंगू रोग नियंत्रण के लेल मच्छर विरुद्ध के औषधि छिटबाक कार्य प्रदेश संघ साथे अखन धरि स्थानीय सरकार समेत एहि प्रति चाँक नै देने छैन। डेंगू रोग के संक्रमण पिछला किछु दिन से रौतहट के अन्य पालिका संगे कटहरिया तथा आसपास में फैल लागल अछि। राजधानी काठमांडू हेठौड़ा लगैत बाहर से आयल सब में साथे स्थानीय बासिंदा में सेहो डेंगू संक्रमण देखल गेलो पर अखन देर ई डेंगू एहि क्षेत्र समय डेंगू रोग सब किनको मृत्यु नै भेल अछि। पिछला एक हफ्ता के अवधि में अखन देर डेंगू रोग से संक्रमित भेल मध्य 25 गोटे के खून में प्लेटलेट काउंट कमी देखल गेला से थप इलाज के लेल रेफर कयल गेल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कठारिया के डॉक्टर अनिल कुमार जायसवाल जानकारी देने से संगे अन्य संक्रमित डेंगू रोगी सब के कठारिया अस्पताल में इलाज अखन भ रहल अछि। बलात्कार के आरोप लागल क्रिकेटर संदीप लामेछाने असोज 20 गते नेपाल आब लागल जानकारी देने से नेपाल आयल बाद अपना ऊपर लागल आरोप विरुद्ध लड़ सेहो ओ जानकारी देलनि। ओ अपने निर्दोष रहल आ नेपाल के न्याय प्रणाली ऊपर पूर्ण विश्वास रहल समेत जिक्र कलथि। बड़का आशा आ शक्ति के साथ हम यह 6 अक्टूबर में नेपाल आबि रहल संगे झूठ आरोप विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ब ओ सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी देने छनि। संगे हम निर्दोष रहल आ न्याय प्रणाली में हमर पूर्ण विश्वास रहल अछि। एक गोटे नाबालिका किशोरी अपने ऊपर बलात्कार के ने कहित संदीप विरुद्ध उजूरी देने से
सरकार विद्युत व्यापार के थप मार्ग प्रशस्त कर लक्ष्य के साथ विद्युत एन 2049 के संशोधन कर बनल अध्यादेश जारी करबाक तैयारी कैलक अछि। विद्युत एन 2049 में विद्युत व्यापारी संबंधी प्रावधान नहि छल। वह प्रावधान नहि भेला के कारण सरकार निजी क्षेत्र के विद्युत व्यापार के अनुमति देव नहि सकल छल। निजी क्षेत्र समेत के विद्युत व्यापार में सहभागी कराब लक्ष्य के साथ सरकार ई एन के संशोधन कर उपयुक्त उपाय के रूप में अध्यादेश जारी कर लागल अछि। अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय में पहुँच चुकल। सेना ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के अनुसार निजी क्षेत्र के मांग संबोधन करित ऊर्जा व्यापार के मार्ग प्रशस्त कर लक्ष्य के साथ अध्यादेश जारी कर लागल अछि। निजी क्षेत्र लंबा समय से विद्युत व्यापार के अनुमति देव सरकार संग मांग करैत आयल छल। नेपाल में व्यवसायी आ भारतीय व्यवसायी बीच में साझा सहमति बनाकर विद्युत व्यापार के मार्ग प्रशस्त कर सक अवस्था रहल अछि। अखन नेपाल विद्युत प्राधिकरण दैनिक 364 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात कर रहल अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक एहि बेर के दशैं में 55 अरब रुपया बराबर के नया नोट हेर बदल कैलक अछि। जै मध्य 16 अरब रुपया बराबर के 100 रुपया से बेसी छोट दर के संगे 39 अरब रुपया बराबर के 500 आ 1000 दर के नोट फेरबदल कैलक अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक बीतल भादो 29 गते से नया नोट फेरबदल कर लागल अछि। सब बैंक तथा वित्तीय संस्था सब असोज 2 गते से नया नोट फेरबदल कर कार्य शुरू केने अछि। राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके भादो 23 गते से नया नोट उपलब्ध करौने छल। दशैं विदा होब धरि अखन धरि में 55 अरब रुपया बराबर के नया नोट फेरबदल कैल गेल। राष्ट्रीय बैंक के मुद्रा व्यवस्थापन विभाग के कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल जानकारी देने छथि। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लप उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखत रही टीवी टुडे। जनकपुर नमस्कार।